आपसे ही जानना चाहूंगा कि जिस तरह के रिव्यूज मिल रहे हैं, लोगों ने देखी है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है, आप बताइए कि कितनी एफर्ट लगी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म का, थोड़ा सा इस बारे में शेयर करिए। एक्सपीरियंस बहुत ही सिंपल था एक्चुअली। मैं अबाउट द स्टोरी बताऊंगा। मैं कैफे में बैठा हुआ था एंड एक फ्रेंड का वेट कर रहा था। सडनली हुआ क्या कि सामने मेरे कपल्स बैठे हुए थे एंड मैं उनको देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। दे ऑल मतलब वो दोनों स्टबन कर रहे हैं, बट वो एक दूसरे से मतलब बता नहीं रहे कि मैं स्टबन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं नोटिस कर रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या है, वो लड़का उसको लड़की को बोलता है कि मतलब उसको प्रपोज करता है एंड प्रपोज करके वो दोनों हैप्पीली चले जाते हैं। तो मैं फिर लड़की को जाके पूछ रहा हूँ, मैं भाई आपने स्टबन किया, उन्होंने भी स्टबन किया, तो मैटर क्या है? तो उन्होंने बोला कि हम स्टबन्स हैं। मैंने कहा अच्छा, तुम ये कॉन्सेप्ट मुझे वहाँ से आया कि स्टबन्स की भी लाइफ में एक लव स्टोरी है जिसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रिएट, तो मैंने इसको क्रिएट किया। और कैसा आपका एक्सपीरियंस के बारे में बताया, आपका एक्सपीरियंस मुझे कैसा बहुत रहा? अच्छा लगा, और मैंने फर्स्ट टाइम ये कैरेक्टर प्ले किया और विदाउट एनी प्रैक्टिस, तो मेरे लिए थोड़ा न्यू था और शायद मैंने 50% दिया अपना। मैंने 100% ट्राई किया, बट आउटपुट मुझे थोड़ा सा लगा और बेटर हो सकता था मुझसे। सर आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, I'm a क्या कहना writer. चाहेंगे पूरी टीम के बारे I'm में? a writer but a director of this film, and he suggested me that story to tell when I'll write screenplay about this. You know, And minimum. coincidentally, sorry, coincidentally हमारे script हमारे director से match हो गई और हाँ हम हाँ और यस 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 yeah yes right right और ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि जो हमें डायरेक्टर मिला हो वो एक्चुअली में इस कैरेक्टर को समझ रहा है बहुत डीपली, और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं, एक्सप्लेन कर पाए एक्सप्लेन हमें कर और पाए हमें हाउ हाउ यू फील वेन यू स्टैमर और एग्जैक्टली हाउ दैट क्योर थिंग कि आप जब कहीं कहीं पे बैठे होते लोगों के सामने वो कैसे अपने आप में हाई होता है। वेन यू मीट समबडी न्यू देन दिस ट्रॉमा विल बी मोर एनहेंस्ड। सो he gave me the story idea and I'll write the screenplay and then we'll meet and we'll execute the whole film for you and here we have been with the result in the film. एज अ डायरेक्टर क्या क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आई एम श्योर एक्सप्लेन करने चैलेंजेस पड़ेंगे। तो बहुत थे यार किसी भी कहानी को बनाने के लिए। वी आर नॉट अ दैट बिग गाय फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री प्रोडक्शन एंड ऑल। चैलेंजेस तो हर चीज में है, बट आप कम शब्दों में एक कहानी कैसे कह सकते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो भी चैलेंजेस आए वो हमारे लिए हैं, ऑडियंस को उससे कोई मतलब नहीं है, व्यूअर्स को कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उनको एक फाइनल आउटपुट देखना है और हमको एक फाइनल आउटपुट देना है। और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ही इज ऑल्सो वेरी गेट डाइव इन टू दैट स्टोरी कि उसे कैसे करना है, फ्रॉम द कॉस्ट्यूमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एवरीथिंग सी इज ऑल्सो। So yeah, overall a good experience we had. आप दोनों से जानना चाहूंगा, एज अ एक्टर जब स्टोरी शॉर्ट होती है तो बहुत सारी चीजें कम शब्दों में बताने की कोशिश की जाती है, तो एज एन एक्टर आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज था, अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में शेयर करें आप लोग? मुझे ज्यादा चैलेंज इसलिए नहीं लगा क्योंकि सर का और मेरा बॉन्डिंग अच्छा है, सर डायरेक्शन सर ने किया है तो मुझे इजिली लगा, मतलब सर ने सब करवा लिया कि प्रिया ऐसे करना है, ये सीन को ऐसे फील करो, तो यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो रहा, तो सर से मेरी बॉन्डिंग होने की वजह से मुझे ज्यादा कुछ चैलेंज नहीं आया। ये जब कॉन्सेप्ट डिजाइन हुआ उसके बाद जब हम डायरेक्टर सर के पास गए, उन्होंने जब ये बताया तो चैलेंजिंग नहीं था, इंटरेस्टिंग था कि कुछ नया करने को मिलेगा और शॉर्ट में करने को मिलेगा। तो आई थॉट मजा आया करने के लिए, ऐसा कुछ चैलेंजिंग इन नहीं था। शॉर्ट एग्जीक्यूशन इज चैलेंजिंग, नॉट अ मेकिंग और नॉट अ परफॉर्मिंग। परफॉर्मेंस वाइज इज नॉट दैट मच चैलेंजिंग पार्ट, बट एग्जीक्यूशन वाइज इज दैट मच चैलेंजिंग। वी फिनिश द शूट बिफोर 8 months अगो एंड इन अ पोस्ट एंड ऑल। आज आपके सामने ये है फिल्म, आप लोगों ने देखी है, बाकी अब ऑडियंस के लिए है। ऑडियंस क्या बोलती है, क्या बताती है, अप्रिशिएट दैट। कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का प्लान है, कब रिलीज करने का प्लान है, क्या रिलीज हो चुकी है? फिल्म ऑलरेडी आज रिलीज हो चुकी है क्रैक क्रिएशन फिल्म्स पे, जो कि हमारा ही प्लेटफॉर्म है। और हम ये प्लेटफॉर्म बेसिकली शॉर्ट फिल्म्स एंड म्यूजिक के लिए कर रहे हैं, जिसमें आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोगों को
मतलब मार्केट के कास्ट को भी हम अपॉर्चुनिटीज देंगे। राइट, और कौन से प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है अगर शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ आपने? बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइंड अप है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हम वापस बैठेंगे, वापस मिलेंगे डिस्कस। मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्म, अभी आपने से क्वेश्चन किया कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रही है, प्लेटफॉर्म इज डजंट मैटर, मैटर इज द स्क्रिप्ट एंड स्टोरी एंड आउटपुट। प्लेटफॉर्म एक नया यूट्यूब भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म मांगता है एक 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 ऐसी कास्टिंग जो उनके लिए एक बेनिफिशियल हो, यू नो। तो ये पूरा हम जब समझे और बैठे तब विल सजेस्ट कि अपने ही प्लेटफॉर्म पे जाए, और हमारा ऑर्गेनिकली हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको, वो बस रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या क्या लाइन है? वो सोशल मीडिया पे दिख रहा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये फिल्म परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, ये स्टोरी के बारे में बताइए, कैसा आपको लगा, क्या कहना चाहेंगे एक्टर्स के बारे में? प्लीज, अच्छा प्रयास है और एक शॉर्ट स्टोरी है, मतलब इतनी कम समय में इतनी अच्छी बातें कह देना, ज़्यादा मतलब मिलता नहीं है देखने के लिए ऐसा, और बहुत क्रिस्प है। बाकी करने के लिए तो और बहुत सारे काम है जो किए जा सकते हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस है दोनों भाई। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत काम किया है, बहुत कुछ देखा है, शॉर्ट स्टोरीज भी देखी हैं, देखता रहता हूँ, ये मेरा शौक है क्योंकि मेरी लाइन से संबंधित है ये बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आशीष सोनकर जो इसके कहना चाहिए एक्टर हैं, वो एज एन एक्टर सुपर, उनकी पार्टनर बहुत सुपर, डायरेक्शन प्रोडक्शन म्यूजिक आई थिंक एवरीथिंग इज गुड, और अच्छा प्रयास है। आशीष को ये कोशिश करती रहनी चाहिए और कैमरे के सामने रहना चाहिए, रूप छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन कैमरे के सामने एक्टर का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्टर कभी कभी कैमरे के पीछे चला जाता है तो पब्लिक से कोसों दूर हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस मुकाम पर मिला था आशीष जी से, वो एज एन एक्टर नहीं मिला था, आज मैं एज एन एक्टर देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहूँगा कि आशीष जी को ये एक्टिंग हमेशा कंटिन्यू करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय। कभी कोई भी जो नवोदित हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग चीजें होती हैं, और ये एक प्रयास मात्र जो भी एफर्ट है वो इसको अच्छा एफर्ट है, लेकिन क्योंकि मैं अगर अपना जो जो भी मैंने फील किया देखने के बाद, एफर्ट इज़ गुड, टीम नई है, लोग नए हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फाइनली हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम जो है मंडी में बैठे, मार्केट में बैठे, तो मार्केट के हिसाब से चीज़ें, क्योंकि ये जो मीडियम है, इट्स नॉट अ प्योर आर्ट, इट्स अ कॉमर्स एंड आर्ट का अमल कमीशन है। तो ये इत्तेफाक है कि अच्छी बात है कि जो लीड एक्टर हैं वही प्रोड्यूसर भी हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसका दूसरा पक्ष देखें, अगर कोई प्रोड्यूसर है हमारे पास और वो इस तरह से इन्वेस्ट करता है, तो उसकी उगाही भी हमें देखनी पड़ेगी। सो थोड़ा सा एफर्ट अच्छा है, कच्चा पक्का है, चीज़ें हर एक मायने में थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं इस जो एफर्ट उसको सराहूँगा, और जो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे तकनीकी पक्ष हो या परफॉर्मेंस हो या वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, आशीष मिश्रा, ठीक है, उन सबको थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है, और अच्छे सानिध्य में रहेंगे, अच्छे गाइडेंस में रहेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। और ये जैसे ये रमेश गोयल जी ने कहा कि ये प्रयास रुकनी चाहिए और ये प्रयास चलते रहने चाहिए, और उत्तरोत्तर जो है इसमें निखार की संभावनाएँ हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूँ, और मैं सभी को जो है ना अपना आभार प्रकट करता हूँ और उसको विशेष शुभकामनाएं देता हूँ कि
करते रहे, निरंतर करते 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 अभ्यास करें। सो प्लीज। सबसे पहले मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत पसंद आई। मे बी ये इन्होंने हैंडल शूट किया है तो काफ़ी स्टेबल था हैंडल शूट। प्रॉब्लम हम दोनों जैसे फिल्म मेरे काफ़ी सीनियर है तो इन्होंने बताया। दूसरी बात है जो शॉर्ट फिल्म है ना आप मैसेज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात एफर्ट देखो तो टीम एक छोटी टीम ने बनाई एफर्ट अच्छी थी तो फिल्म बनती रहनी चाहिए। और मे बी लगता है उन्होंने जो सर ने बोला वो करते करते शायद और क्लैरिटी आएगी उनमें। बट एक्टर्स भी अच्छे थे, कास्ट मुझे ओवरऑल अच्छा लगा, वॉइस ओवर भी अच्छी लगी और जो VFX आ रहे थे, ग्राफिक्स जो आ रहे थे वो मुझे बहुत फिर से बोलूंगा सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी। हैंडल बेसिकली शेक होती है पर 60-50% मुझे लगा हैंडल शूट किया था इन्होंने और काफ़ी गोरिल्ला शूट भी किया था। तो पॉसिबल नहीं मुंबई में आप गोरिल्ला शूट करो क्योंकि जब हम लोग करते तो काफ़ी प्रॉब्लम होता था, तभी छोटे कैमरे थे अभी ये डिजिटल। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई गई, अच्छी लगी चीज़, एफर्ट अच्छे हैं सबके, एफर्ट अच्छे एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हाँ। और उसको एक उम्मीद देनी चाहिए कि भाई यार इस तरह काम आप निरंतर करते रहो, दैट्स गुड। और करते ही होगा, करने से ही होगा ऐसे। एक्चुअली हम लोग मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, शैक ही इज द सिंगर डायरेक्टर, वी वर्क टुगेदर इन द म्यूजिक। म्यूजिक मेरे को बहुत कैची लगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेसेस बहुत पियानो के काफ़ी अच्छे मेलोडीज दिए गए हैं और ज़्यादा म्यूजिकली बहुत ज़्यादा खेलने की जरूरत नहीं है और म्यूजिकली अच्छा जहाँ पे सीन्स आ रहे हैं वहाँ पे जो इम्पैक्ट पियानो का है एज अ म्यूजिशियन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड एक्टिंग वाइज तो बताएंगे दिव्यांश आपको क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट एक कम समय के बीच में किसी अच्छी चीज़ को प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो काफ़ी अच्छा प्रयास तो है ही। और प्लस प्रयास के साथ सभी का काम मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही नेचुरल वे में ये उभर के आया मूवी के अंदर, जो जैसा कि आप सभी को भी लगा ही होगा क्योंकि इसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई एक्टिंग कर रहा था, सब लोग अपने कैरेक्टर को अच्छे से जस्टिफाई कर रहे थे। स्पेशली हमारे आशीष भाई तो उनके साथ तो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं पहले, सो इज सच एन अमेजिंग एक्टर। म्यूजिक वीडियोज़ भी मैंने आवाज़ दी उनको, उन्होंने गाए, इन्होंने म्यूजिक बनाया उनके सॉन्ग्स का। तो यही है कि बहुत जल्दी आशीष भाई को किसी बड़ी मूवी में भी देखें हम, बस ये शॉर्ट मूवीज से अब बड़ी मूवीज में आशीष भाई आए हमारे, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको और ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन्स। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि मूवी का साउंड डिज़ाइन अच्छा किया गया है। साउंड डिज़ाइन मीन्स जो साउंड इफेक्ट्स आप देखते हैं, मतलब वो कुछ भी ओवर नहीं लगा अपार्ट फ्रॉम द फूले अलग है साउंड डिज़ाइन, साउंड डिज़ाइनिंग इज आल्सो गुड। थैंक यू सो मच।